और अब बात करते हैं सोनभद्र की, जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चौकी परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भजन कीर्तन किया। रात 12 बजते ही घंटा घड़ियालों के साथ बधाइयां बजनी शुरू हो गई। नवागत चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र द्विवेदी ने विधि विधान से गगनभेदी मंत्र उच्चारण कर पूजा आरती की। मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने गोकुल में बजत है बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया सहित अन्य सोहर गीत गाए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां कई दिन से चल रही थी। संपूर्ण चौकी परिसर को सजा धजा कर गोकुल धाम बना दिया गया था। परिसर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां आए हुए भक्त अपनी सेल्फी लेकर प्रसन्नचित दिखे। आखिरकार गुरुवार को इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर लोगों ने भजन कीर्तन करने के साथ साथ भोजन ग्रहण कर प्रसाद लेकर गए। चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र द्विवेदी की अगुवाई में चौकी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर सदस्यों सिटी राजकुमार त्रिपाठी भी आए हुए थे। चौकी के समस्त पुलिस सहित अन्य पुलिसकर्मियों समेत क्षेत्रीय पत्रकार नगरवासी मौजूद रहे।